नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जो उंगली की दानों की वीडियो डाली गई थी उस पर काफी कमेंट्स आए हैं कि उसको और अच्छी तरह से डिफाइन किया जाए, तो हम उसी संदर्भ में ये दूसरा वीडियो आपको समर्पित कर रहे हैं। और आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर लें, क्योंकि जो भी आपकी समस्याएं हैं आप हमें जो बताते हैं उसी के आधार पे हम नई नई वीडियो और आपको देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो जानकारी होती है मेन जानकारी जो अंत में योग वगैरह है कैसे यूज करना है क्या क्या है, तो वो चीजें छोड़ जाती हैं। लोग झटके में थोड़ा देखते हैं और छोड़ देते हैं, तो उससे पूरी आधी अधूरी जानकारी के साथ वो बेकार हो जाती है। ना तो आप जानकार हैं और ना जानकार है। तो वक्त ना गंवाते हुए हम सीधे बात पर आते हैं। दोस्तों, खुजली ज्यादातर लोगों के जहन में रहता है, होती क्यों है? तो खुजली के कई कारण हैं। आजकल सबसे बड़ा कारण है शैंपू है, साबुन है, ये सैनिटाइजर है, तेल वगैरह है जो लोग बराबर क्रीमें हैं, तो इनसे बार बार अगर आप इनको यूज करते हैं तो देखा गया है, तो इससे भी लोगों को एलर्जी हो जाती है और खुजली हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि लोग एसी में रहना है, क्योंकि नमी जो है वो खुजली की जन्मदाता है। अब आप वैसे तो जैसे उत्तरी भारत में जब बरसात होती थी तो जून जुलाई में ज्यादा खुजली का प्रकोप रहता था, लेकिन इधर क्या है कि एसी में रहना है, कूलर वगैरह है, तो उससे लोग बारह मास अब ज्यादा परेशान होने लगे हैं, वो बारह महीने उसी तरह की दिक्कतें उन लोगों में होनी रहती है। तीसरा सबसे बड़ा और ये कारण है कि लोग नमी वाले स्थानों में रहते हैं। करता हूं कि सारे चीजें आपको समझ में आ जाए। जैसे लोग बासी भोजन करते हैं उससे भी इस तरह की दिक्कत होती है, और जो लोग जैसे किसी के खुजली है तो ये खुजली एक इन्फेक्टेड रोग है, तो जो उसके साथ उठना बैठना है या लेटना है उससे भी ट्रांसफर हो जाती है। और जो गुप्तांग है बगल वगैरह है इसको ज्यादा ढकी रहती है, तो ढकने से क्या होता है कि वहां जब पसीना निकलता है तो वहां पे भी खुजली का प्रादुर्भाव हो जाता है। मांस वगैरह जो खाते हैं दही के साथ, दही का इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं बराबर, बीड़ी तंबाकू गांजा भांग इनका जो अधिक सेवन करते हैं, इससे इम्यूनिटी गिर जाती है और खुजली हो जाती है। और जो शुगर के पेशेंट है उनमें अक्सर देखा गया है कि इम्यूनिटी उसमें रहती नहीं है तो खुजली हो जाती है। तो मैं जनरली आपको खुजली के बारे में बताता हूं क्या लक्षण ज्यादातर होते हैं। तो एक तो ये होता है कि ये आपके ये जो बीच में उंगलियों के बीच में जिसको गाय कहते हैं हमारे इधर के भाषा में, जो भी आपके इधर कहते हो, तो यहाँ पे दाने निकल आते हैं, फपोले बड़े से हो जाते हैं, उनमें पस या पानी का आ जाता है। कुछ हथेली पे इसी तरह का सिस्टम बन जाता है, हथेली बिल्कुल फट जाती है, सफेद नुमा हो जाती है, ये चकत्ते पड़ते हैं, लाल लाल चकत्ते, इसमें खुजली पड़ने लगती है, इसमें दाने निकल आते हैं। एक होता है जैसे घमौरियां निकलती हैं, उसके बिल्कुल टू कॉपी बिल्कुल दाना सा निकलता है, उसमें पानी भर जाता है, उसको खुजलाने से खुजली बहुत पड़ती है और शरीर से आग जैसी निकलती है। कुछ होते हैं कि वो स्थिर हो जाते हैं, मोटे टाइप की मतलब खाल हो जाती है उनको, उसमें पसीना ज्यादा आता है, खुजली ज्यादा पड़ती है। तो ये सब आयुर्वेद के हिसाब से कुष्ठ रोग हैं। और
इसमें देखिए सबसे बड़ा ये है कि आपको अगर लगता है कि किसी चीज में हमें खाने से या हमें लगाने से दिक्कत होती है तो वो चीज ना लगाएं ना ही खाएं। खाने का मतलब ये है कि उस चीज को नियमित ना खाएं। अगर आपको लगता है इससे कुछ दिक्कत हो रही है तो वो चीज समय अंतराल पर खाएं तो आपकी बॉडी उसको मेंटेन कर लेगी, ऐसे मतलब खुजली के रूप में नहीं होगा। और एक और भी बहुत बड़ा कारण है, मैं उसको याद दिला दूं, ये साइड इफेक्ट भी, जो दवा का किसी दवा का अगर साइड इफेक्ट भी होता तो उसके रूप में भी इस तरह की खुजलियां जो है निकल कर आती हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो आयुर्वेद के हिसाब से सातों धातु हैं, दोष हैं, दूष्य हैं, ये सारे के सारे गड़बड़ हो जाते हैं और गड़बड़ होने के बाद वो त्वचा पर अपनी जो है खुजली में मोटेपन में दिखाई देते हैं और इन इसमें रात दिन लोगों को चैन नहीं आता, नींद नहीं पड़ती। तो इस तरह का अगर आप ध्यान रखें कि जैसे मांस खा रहे हैं तो दूध दही का इस्तेमाल ना करें, शराब के साथ भी यही दिक्कत है, नक नहीं खाना चाहिए क्योंकि सब विरोधी आहार विहार है। अब आप शीतल जल ज्यादा मत पिए, ठंडा अगर आप पानी बराबर पी रहे हैं तब भी जो है। और जो लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तेल का ज्यादा तिली जो लोग ज्यादा खाते हैं, तिली के ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये दिक्कतें पाई जाती हैं। तो ये जो है ये चीजें मैं बता रहा हूं, इनको अगर आप थोड़ा देखेंगे अपने मेंटेन करेंगे शरीर को तो आपको समझ में आ जाएगा कि किससे ये खुजली हो रही है और उस चीज को आप छोड़ेंगे तो हो सकता है वो स्वतः ही खत्म हो जाए। अब मैं ये बताता हूं कि हाँ, और ये शरीर में सूखापन है इससे भी खुजली होती है तो इसके लिए आप कड़ुआ वगैरह तेल, तिली का भी तेल, इनका यूज कर सकते हैं। तो इससे ये खाली खुश्की जो ड्राई स्किन होती है ये खुजली इसी से समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं कि जो लोगों के गाय में और जो दाने वगैरह हैं उनको हम कैसे खत्म करें, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कि जब भी ये दवा का प्रयोग करें तो एक नियमित करें और कम से कम एक माह तक इसका इस्तेमाल करें। तो देखिए, हर बैड़ा आंवला, ठीक है, इसको आप तीन ही चीजों को आप ले सकते हैं और तिली का तेल और पीपल और गुड़। अब मैं इसकी मात्रा आपको समझा दूं, हर बहेड़ा आंवला पीपल इनको संभाग लेना है, इससे चार गुना मतलब आपने 3 ग्राम इन चीजों को आपने लिया, मतलब 3 से 6 ग्राम जैसे बॉडी वेट हो वैसे आप इन चार चीजों को आपको लेना है, तो 3 से 6 ग्राम आपने ले लिया, फिर इससे 4 गुना यानी 6 चौक 24 ग्राम आपको लगभग 20 से 25 ग्राम आपको तिली का तेल लेना है और इसी हिसाब से आप कम से कम 50 ग्राम गुड़। जो योग बताया है इसको दिन में शाम के शाम अगर आप यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और दूसरा जो योग है वो रसौद, रसौद किसी भी आयुर्वेदिक जो लोग बेचते हैं दवाएं उनसे मिल जाएगी। तो रसौद को आप 3 ग्राम गाय का मूत्र, यानी गाय का मूत्र कम से कम 15 से 20 ml में आप दिन में एक ही बार इसका भी यूज करें और रसौद 3 ग्राम। तो इनको उसमें दूध मतलब मूत्र में खूब घोल लें रसौद को और उसको पी लें। और ऊपर मैं लगाने का एक तेल बता रहा हूं, वो करंज का तेल है, उसको आप दिन में 2 बार सुबह शाम लगाएं, जहां भी इन्फेक्टेड एरिया है तो उसको आप लगा सकते हैं। उसमें आप अगर ज्यादा कुछ करना चाहें तो गंधक भी मिला सकते हैं,
तो ये जो गंधक पंसारी पे मिलती है ये गंधक भी काम कर जाएगी, क्योंकि ये बाह्य प्रयोग होता है। तो इसको लाकर आप अगर 100 ml जैसे आप कितने तेल लाए हो, तो 2-3 ग्राम आप गंधक को उसमें डालकर तब उसको हिलाकर लगाएं तो ज्यादा फायदा करेगा, उससे भी ज्यादा फायदा करेगा। और आप अपना प्यार YouTube चैनल पर देते रहें सब्सक्राइब के रूप में।